chosen online classes discipline. Today I discuss class 8 physics. Key is heat transfer and unit is also heat transfer. In previous class we have discussed about the heat, about boiling, vaporization and evaporization, and difference between boiling and evaporization. So today I discuss thermal expansion. So what is thermal expansion? The expansion produced in matter. The expansion produced in matter due to the absorption of heat energy is called thermal expansion. यदि जो matter है वो heat energy को absorb करके जब expansion करता है, तो करते हैं expansion करता है, तो उसे हम thermal expansion कहते हैं. We call thermal expansion. होता क्या है देखते हैं. कोई भी material है, solid हो, liquid हो या gas, कोई material solid हो या liquid हो या gas हो, किसी भी matter को जब strongly heat करते हैं, किसी भी matter को जब heat करते हैं, strongly heat करते हैं solid. Solid के केस में इसको हम strongly heat करते हैं, strongly heat करते हैं. यानी solid को जब strongly heat करते हैं तो ये expansion करता है. Solid and gas heat करने में expansion. एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि इनके लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाए, या इनका वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाए, या इनका एरिया है वो इंक्रीमेंट हो जाए, है ना. जब हम किसी मैटर को क्या करते हैं, जब किसी मैटर को हीटेड करते हैं, हीट करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं. यानी जब किसी भी मैटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पर उसकी लेंथ, एरिया या वैल्यू में एक्सपेंशन होता है, तो उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं. अब थर्मल एक्सपेंशन थ्री टाइप्स के होते हैं. थर्मल एक्सपेंशन इन मैटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस. यानी थर्मल एक्सपेंशन को हमने थ्री क्लासेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट है हमारा लीनियर एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, an increase in length of a solid when heated is called linear expansion. So, कोई भी मैटर है उसे हम हीट करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है, लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है. इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं एल्यूमिनियम वायर. अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम वायर होता है, जो इससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है. बोलते हैं कि अगर 2 सेंटीमीटर का है ना, इसे हीट एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करते हैं, इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है, जैसे 2.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है. और यही रीजन होता है कि जो आपने इलेक्ट्रिसिटी वायर देखी है, इलेक्ट्रिसिटी वायर जो गर्मियों में होता है उसका जो एक लूज किया जाता है, उसे स्लैक करते हैं इस तरीके से. उसका एक रीजन ये होता है कि गर्मियों में मेरे का प्रेशर इंक्रीज होता है, जो वायर होते हैं उनमें एक्सपेंशन हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होने में क्या होता है, डिक्रीज होता है. ये एक रीजन होता है. यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया अपने एल्यूमिनियम वायर का एग्जाम्पल. फिर इसके बाद बात करते हैं हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन. सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, द इंक्रीज इन एरिया ऑफ सॉलिड व्हेन हीटेड इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन. यानी जब हम किसी मैटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और उसके एरिया में इंक्रीमेंट हो जाता है, किसमें एरिया में इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी उसका क्षेत्र. सपोज ये कोई मैटर है, इसका ये एरिया है, ये इसका एरिया है, और हीट करने पर इसके एरिया में इंक्रीमेंट हो जाए, इंक्रीज. यानी अब इसका एरिया हीट करने के बाद कितना हो, ये. तो इस कंडीशन में इस फिनोमेना को कहते हैं सुपर फिशियल एक्सपेंशन. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन.
में क्या होता है, द इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस व्हेन हीटेड इज कॉल्ड फ्यूजन एक्सपेंशन। यानी जब मेटल का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है तो उसे हम फ्यूजन एक्सपेंशन कहते हैं। इसका माप क्या होता है, सिंपल एग्जांपल है, वाटर को जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू में